हेलो नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी पर बोर्ड परीक्षा लेने पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है भाई। नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग हरियाणा पर। देखिएगा इन्फॉर्मेशन, लाइक नहीं तोड़ेगी लाइक कर ले, सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर रोज़ लेके आते रहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हरियाणा के स्कूलों में आठवीं की बोर्ड परीक्षा द्वारा लिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती। पूरी जानकारी यहाँ पे देखिएगा, हरियाणा सरकार सहित बोर्ड स्कूल बोर्ड को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अधिकार के तहत जो नियम बनाए गए हैं उन्हें हरियाणा सरकार ने भी लागू किया है। इसके तहत आठवीं तक की बोर्ड द्वारा ली जाने करवाए जाने वाली बावजूद इसके यह आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट को बताया गया है कि CBSE और ICSE बोर्ड भी सिर्फ 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेते हैं। हरियाणा बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा लेना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट को यह भी बताया गया है कि बोर्ड स्कूलों में ₹10,000 आठवीं की परीक्षा के लिए शुल्क जमा करवाने का भी आदेश दे चुका है। बोर्ड ने शिक्षकों को विद्यार्थी मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इन मामले में अब हरियाणा सरकार और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को जवाब देने की मांग की है। यानी कि हरियाणा बोर्ड को और हरियाणा सरकार दोनों को हाई कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि हम आठवीं का बोर्ड क्यों लागू कर रहे हैं, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन है। जब पूरे देश में ही आठवीं का बोर्ड हटा दिया गया है, CBSE सहित ICSE जो बड़े बोर्ड हैं उन्होंने भी आठवीं का बोर्ड की एग्जाम नहीं ले रहे हैं, तो हरियाणा बोर्ड क्यों ले रहा है भाई? शिक्षा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।